हेलो कौन? कैसी तबीयत है आपकी? कब आ रहे हैं यहाँ? आपके बुलाए भी इधर सुना सुना लग रहा है। ठीक होगा क्या हाल है आपका? हाँ बुलाती हूँ बुलाती हूँ। अच्छा एक बात तो बताइए, कुछ लड़की आप देखने गए थे ना, उसका क्या बना? ओहो छोटे पापा भी डांटते रहते हैं आप तो, बड़े पापा तो बहुत डांटते रहते हैं। वक्त हर वक्त आंधी तूफान बनी रहती है। बड़े सरकार ने छोटे सरकार बड़े सरकार छोटे सरकार का टेलीफोन आया, हमारे बेटे का फोन आया। तो कर रहे इतने दिन बाद याद तो आए, आओ देखो। छोटे सरकार आ रहे, बड़े सरकार आ रहे हैं। छोटे सरकार ये आपकी मेरी वाली बहन कैसी है? पसंद आए? पसंद आई रही है तो कैसी है? आंखें छोटी तो बड़ी कजरा डालती है, लाख छोटी छोटी लगती अच्छी होती है। कब कितना है? छोटा तो नहीं, चलो बड़ा लगा बुरा भाई, तेरी तरह लंबे हैं कि छोटे? ये करता क्या बात, छोटे बात नहीं लंबे बात है। हेलो जीते रहो, ये 8 दिन के बाद अपनी खैरियत की इत्तला दे रहा नाला है। चलो खैर कोई बात नहीं है, कहो दुर्दाना तुम्हें कैसी लगी? क्या बकते हो, तुम्हें पता नहीं पसंद नहीं आई है? लेकिन क्यों? नवाब साहब को इसलिए पसंद नहीं आई कि वो इन्हें बंडल कहती, तो तुमने दुर्दाना की शिकायत की थी क्या? अरे तुमने शिकायत करने की बजाय चीख चीख कर सारे घर को बंडल कहा। ओहो हमारी दोस्ती का तो ख्याल किया होता, अब हम अपने दोस्त को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या कहा तुमने? खुद उन्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, यानी चीख चीख कर उनकी बेटी के हैर गिनवाए। मेरे खुदाया बकवास बंद करो, जितनी जल्दी हो सके घर पहुंचो। क्या कहा? आज चलोगे 6 दिन के बाद पहुंचोगे। और न कोई लड़की इसे पसंद करती है, न ये किसी लड़की को पसंद करता है। हम तो तंग आ गए हैं बेगम साहिब बाबे, आज तक 7 घरों से दलीलों खार होकर निकल चुके हैं, ये 8वां घर और दख रहे हैं कि वही आज चलेंगे 6 दिन के बाद पहुंचेंगे। चू चाचा गरीब चुआ नाचा, गरी ने एक बजाया चुआ नीचे आया। तीजू चाचा बकवास है। अंकल कोई और पोएट्री सुना दो। ये पोएट्री जाकर अपने पाप को सुनाओ, जिसने तुम्हें हमारे पास भेजकर पूरी कानून में हमारा तमाशा बना दिया। ऑल दिस वर्ल्ड इज तमाशा अंकल, ये दुनिया एक तमाशा है। यू शट अप, ये कैसा तमाशा है? लोग तुम्हारी नादानी पर नहीं हम पर हंस रहे हैं। क्या जरूरत थी गाड़ी के आगे उठ बोलने की? अंकल आपको क्या जरूरत थी अपने वोटों पर ये ऊंट जैसी मूछें रखने की? क्या बच्चे हो नालायक कहीं के, हमारी मूछों से ऊंट का क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा और सॉलिड ताल्लुक है अंकल। जिस तरह आपको अपने होठों पर ये बेहुदा मूछें रखने का शौक है ना, इसी तरह मुझे भी अपनी गाड़ी के आगे ऊंचा लंबा और तगड़ा ऊंट बांधने का शौक है। शौक ही नहीं बल्कि लव है, लव, यू अंडरस्टैंड, लव, इश्क, इश्क, इश्क। अच्छी तरह समझता हूं। बट यू आर टू ओल्ड। बकवास बंद करो, चले जाओ यहां से। थैंक यू अंकल, वेयर इज माई बॉडी गार्ड? ओह माय गुडनेस, यू प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर। ओके व्हाट हुदूद, हमारे चलने की तैयारी की जाए। बाबा अंकल बाबा अंकल, इस किस का बच्चा बेहुदा कहीं का आया था शादी करवाने। Thank you.
साहबजादे तशरीफ ले आए। हमारा बेटा है। तुम लोगों के कद इतने बढ़ते क्यों जा रहे हैं? कहीं तुम लोगों ने दरख्तों से लटकना तो नहीं शुरू कर दिया? कौन आज से हमारे टोपियों की खास निगरानी की जाए? अगर इनके कद बढ़े तो हम तुम्हारा कद घटा देंगे, समझे? तुम जा सकते हो जा सकते हो। अब हमें अपनी सरकार के सामने बैंड बजाना है। चेक बॉस, मेरे पास आओ मेरी ढोल। आधा डैडी हुजूर, आधा मम्मी हुजूर। जीते रहो जीते रहो।
तुम्हारे लाड प्यार ने इसे गुस्ताख बना दिया है। आपकी ये सच्ची बात डैडी हुजूर, मैंने अपने उड़न कटोले पर चार औस्ताई से लिखवा दिए। वो देखिए वो देखिए। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, तुम इस पे टांग मत अड़ाओ। क्या कर रहे हो? आप ही ने तो कहा है कि बीच पे टांग मत अड़ाओ। ये देखिए देखिए। आप तो खाम खा नाराज हो रहे हैं, बच्चे इस उम्र में ऐसी हरकतें करते ही हैं। बच्चा? जी हाँ। ये बच्चा है, उम्र जितना हो गया और आप इसे बच्चा कहती हैं? नीचे करिए टांग। बेगम, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि लोग छतों पर चढ़कर हमारा समझ खोल रहा है। मगर डैडी हुजूर, हम तो छतों पर चढ़कर पतंगे उड़ाते हैं। ओहो, बकवास बंद करो। काश हम पैदा होने से पहले तुम्हारा गला घोट देते। तो फिर अब घोट दीजिए ना मेरा गला। हुदूद, ये लीजिए, मार दीजिए मुझे गोली और खत्म कर दीजिए मेरा किस्सा। ये ठीक है। क्या हो गया है आपको? लाखों मन्नतों से हासिल की हुई औलाद आप हमसे छीनना चाहते हैं? हमें दीजिए ये किस्सा। हम अभी यहाँ से चले जाते हैं ताकि आपका वो मकान जो हमारे बेटे की खुशियों ने लूटा है हमारे चले जाने से आपको दोबारा मिल जाए। ऐसी बातें करती हो बेगम, भाई तुम लोग मुझे पागल कर दोगे। साजिद बेटे, अगर अभी वो गोली चला देते तो फिर क्या होता? हम तो रो रो कर मर जाते। ऐसा वक्त कभी नहीं आता मम्मी हुजूर, हम कोई बच्चे और वंडल थोड़े ही हैं। ये पिस्तौल तो नकली है, तभी तो हमने जल्दी से डैडी हुजूर के हाथ में दे दिया। वो गोलियां चलाते थिस्यू 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 और हम मरते ही नहीं। साजिद, चलो मुझे मौका मिलता था ना तुझे धोबी पट का मार कर समोसे लेता। हाँ, अपने मुकाबले के अंदाज है। वाह, अरे बुद्धू, ये क्या चक्कर है? चंगा मंगा ठीक पड़े कि पुकी 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 निकल पाता। मेरा मतलब है, तो भी कंटेंट जो मैंने इंसानों में, और तुम्हें बात करूँ। पिंकली कैसे बेबू? मेरा मतलब है, खात्मों ने आपके यहाँ आने की खुशी में पूरी डिश फ्रूट जाने बात करने का तरीका कब आएगा? ऐसे नहीं ऐसे कहा जाता है सर। आपके ऑर्डर में खादमाने रियासत ने एक आशाइया तस्दीक दिया है, आप इसे कबूल फरमाकर हमें इज्जत बख्शिए। इससे पहले के खाने पीने का सिलसिला शुरू हो, छोटे सरदार जनाब मुहतर को हम एक नए खेल से रोशनाश करेंगे जो हमने इनके गैर मौजूदगी में इजाद किया। वाह वाह वाह, जल्दी खेलो जल्दी खेलो, हम कोई भी नया खेल खेलकर बाग बाग हो जाते हैं। हमको नया खेल यह है कि हम सब आंखें बंद करके रख करेंगे। कर भी किया जाता है, रख करने के बाद आप यूं महसूस करेंगे जैसे आप उड़न खटोले पर बैठकर साथ में आसमान की सैर कर रहे हैं। Thank you.
है तुम लोगों को मैं 5 मिनट दूंगा, आराम करो, ना पसंद से रखा। अरे साजी, मम्मी चाहे मैं जितना मर्जी बड़ा हो जाऊं, लेकिन आपके लिए तो वही मुन्ना होना जो पटाख से आपकी गोद में चढ़ जाया करता था, जिसे आप एक लम्हे के लिए भी अपनी गोद से नहीं उतारती थी। मैं आज 25 साल पुरानी तारीख दोहराऊंगा, मैं तो आज आपके साथ सोऊंगा। लेकिन साजिद मियां, ये अचानक आज मम्मी के साथ इतना प्यार क्यों? ये हम बताते हैं, इन्हें जब हमसे ये खदशा हो कि हम इन्हें पीटेंगे तो ये आप ही की गोद में अपना सुख तलाश करते हैं। बेगम अपने लाडले से कहिए कि बचपन के जाल को तोड़ दे, संजीदा बने, न जाने कब ये बूढ़े सांस रुक जाए। नवाब साहब, और जब ये बूढ़े सांस रुक जाएंगे तो ये अपने डैडी को याद करेगा, तरसेगा कि कोई से नसीहत करने वाला हो। हमारी कड़वी बातों की मिठास का अंदाजा तुम्हें उस दिन होगा जब हम मर जाएंगे और तुम पर जिम्मेदारियां आन पड़ेंगी। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है जो यूं मुंह छुपाए हुए पड़े। दादी हजूर चले गए? हाँ चले गए, निकल आओ बाहर। क्या करें मम्मी हजूर, ये सब कुछ मेरे बस में नहीं है। हम वही करते हैं जो हमारा जी चाहता है, जो हमारी सोच कहती है। अब आप ही बताइए ना, आप ही हमसे नाराज हो गए। What can I do? Hi baby, let's dance. मालदार हूँ, वेल ड्रेस और कोई नहीं है। अब हम समझे ये तितलियां फिलपटीरियां हमें फंसाने की कोशिश क्यों करती है। ये फिर आ रही है, हमें इनसे बचाओ। सॉरी बॉस, गोलियां स्टेन गन से निकल चुकी है। मैं जवानी के पहले ही साल में होए होए होए, मैं जवानी के पहले ही साल में फंस गया हूँ हसीनों के जाल में, फंस गया हूँ हसीनों के जाल में। मैं जवानी के पहले ही साल में फंस गया हूँ हसीनों के जाल में, फंस गया हूँ हसीनों के जाल में। मुस्कुरा के मेरा कोई दिल ले गई,
ये मेरा कोई दिल ले गई, कोई दिल पर कोई दिल रुबा कह गई। सीता सादा था मैं, सीता सादा था मैं, भोला भाला था मैं, आ गया मैं तो तीनों की ताल में। फंस गया हूँ हसीनों के जाल में, फंस गया हूँ हसीनों के जाल में। इन मोहब्बत का था वक्त था शाम का, इन मोहब्बत का था वक्त था शाम का, मैं ये समझा के तोहफा है ये काम का। मैंने रोका नहीं, मैंने रोका नहीं, मैंने टोका नहीं, दे गई बांध के दिल रुमाल में। फंस गया हूँ हसीनों के जाल में, फंस गया हूँ हसीनों के जाल में। यूं मेरे दिल पे असर कर गया, इश्क यूं मेरे दिल पे असर कर गया, मेरी नस नस में संगीत घर कर गया। दिल में एक आग है, दिल में एक आग है, जिंदगी राग है, बात करता हूँ मैं सुर ताल में। फंस गया हूँ हसीनों के जाल में, फंस गया हूँ हसीनों के जाल में, मैं जवानी के पहले ही साल में। फंस गया हूँ हसीनों के जाल में, हाँ हाँ, फंस गया हूँ हसीनों के जाल में। यानी हद हो गई बेगम, रात के 12 बज रहे हैं और साहिबजादे का कहीं पता नहीं। आप तो ऐसे हम बस नाराज होते रहते हैं, दोस्तों ने रोक लिया होगा क्लब में। क्लब? मॉडर्न जहर, यानी हमारे खानदान में आज तक कोई क्लब नहीं गया था, किसी ने बैंड बाजे नहीं बजाए थे, ऊंट की सवारी नहीं की, ये सब आपके लाल का नतीजा है। देख लीजिएगा बेगम, एक दिन बोना दो जाएगा डैडी, टिश्यू टिश्यू टिश्यू। हमारे तोप ठीक कहाँ है? वेटिंग आउटसाइड। अरे आप तो बड़े गुस्से हैं। ना ना, गुस्सा अकल को खा जाता है डैडी, और माँ का प्यार बच्चे को बिगाड़ देता है। तुमने शराब पी है? हम तो रोज ही पीते, हमारा जी चाहता है हम पी लेते हैं। आप मम्मी और उनसे पूछ लें। शराब पीना बुरी बात नहीं है डैडी हुजूर। हाँ, शराब पी के शोर मचाना बहुत बुरी बात, हमने तो कभी शोर नहीं मचाया। हाँ, मम्मी हुजूर से बातें जरूर की हैं, मीठी मीठी बातें, प्यारी प्यारी बातें, ये तो अच्छी बात है ना। बकवास बंद करो गुस्सा। आपने हमें थप्पड़ क्यों मारा? मम्मी हुजूर ने तो हमें कभी भी नहीं मारा, हालांकि हम उनसे ढेरों सारी बातें करते हैं, आपने क्यों मारा? हम इसलिए मारते हैं कि हमने दुनिया देखी है, हमने नाकें कटती देखी है, पगड़ियां उछलती देखी है, हमने गर्दनें झुकती देखी है। और फिर तो शुक्र है मेरे शराब पीने से आपकी नाक तो नहीं कटी। मम्मी हुजूर देख लीजिए, अब्बा हुजूर की नाक जो की तू है और गर्दन भी वैसी अकड़ी हुई है,
पगड़ी ये पहनते इसलिए उसके उछलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। साजिद को थप्पड़ पड़ा है ना मम्मी उलू, इसलिए जब तक वो थप्पड़ ना मार ले उसे चैन नहीं आया। हम भी थप्पड़ मारे हैं, हम भी थप्पड़ मारे हैं। तुम हमें थप्पड़ मारोगे? मारो साजिद, हमें थप्पड़ मारो। नहीं नहीं साजिद, ये तुम्हें क्या हो गया है? कोई अपने माँ बाप को भी थप्पड़ मारता है? हुजूर, ये पास अटेंशन, गुड। मेरे अम्मी हुजूर, हमने भी थप्पड़ मार ही लिया, अब हम बहुत खुश हैं, अब हम बहुत खुश हैं। बाय बाय। साजिद मियां को इनके कमरे में ले जाओ। कहाँ जा रहे लेकिन वो फिर भी शराब पीकर आता रहा, आप हमसे ये सब छुपाती रही। इस बात के कल साजिद शराब छोड़ देगा, वो हमसे रोज यही वादा करते हुए सो जाता था, और हम बेटे की मोहब्बत में अंधे होकर आपसे उसकी शिकायत ना करते थे। इसकी सजा आप जो चाहे हमें दे सकते हैं। आपके लिए ये सजा क्या कम है कि आपका बेटा शराबी है? आप खानदान की किसी महफिल में उसके फरिश्ता होने की कसम नहीं खा सकते। बेगम, हमने बड़ी बड़ी महंगी औलादें देखी है, लेकिन जो मकाम आपने साजिद को दिया है वो खानदान के माथे पर कालिक बनकर सज गया है। अब आप ही इस कालिक को धोइए बेगम, हम तो किसी से बात तक नहीं करेंगे। शायद हमारी ये बेरुखी आपके या आपके बेटे के कुछ काम आ चुकी है। दरअसल साजिद मियां दैनिक तौर पर लाडले और खूबसूरत है, वो अपनी हर ऊट पटांग सोच को पूरा कर गुजरते हैं। उनकी ये कैफियत आपके इतना नाराज होने से नहीं बदलेगी नवाब साहब, आप उन्हें प्यार से समझाएं जो उन्हें उनके हाल पे छोड़ दी थी। किसी वक्त कोई भी शौक उनकी ये कैफियत बदल सकता है। जाने वो वक्त कब आएगा डॉक्टर साहब, हम तो अपने बेटे को संजीदा देखने को तरस गए हैं। वो दिन जरूर आएगा नवाब साहब, साजिद मियां जरूर बदलेंगे। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए, कल मैं आपको फिर आकर देख जाऊंगा। खुदा खुदा। सॉरी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब सेहत के लिए एक्सरसाइज अच्छी होती है ना। तबीयत कैसी है अब्बा हुजूर? मुड़ी अब्बा हुजूर, देखिए हम आपकी आयादत को आए। इनसे कह दीजिए बेगम, हमें किसी की आयादत की जरूरत नहीं। कौन से मुखिया बता दें सरकार? अंदर भेज दो। सलाम अलैकुम सरकार। वालेकुम। आदाब छोटे बाबू। दुश्मनों के कान बहरे, ये मैंने क्या सुना है नवाब साहब? ऐसी कोई बात नहीं मुंशी जी, दिल में जरा एक टीस सी उठी थी, बेगम ने बात का बतंगड़ बना दिया। तुम सुनाओ कैसे आए? मैं तो आपको लेने आया था सरकार, साल खत्म हो रहा है, मजारों में जमीन तकसीम करेंगे। वो जमीन अब बंजर ही रहने दो अलादात, हम अपनी मुरझाई हुई जिंदगी के साथ हर चीज से मुंह मोड़ चुके हैं। ऐसा न कहिए सरकार। क्यों न कहें? हम ये सब कुछ किसके लिए करें मुंशी, किसके खातिर करें? साजिद नहीं आती लिए, अपने बेटे के लिए सरकार। हमारा कोई बेटा नहीं मुंशी, जो था वो चंद रोज हुए हमारे लिए मर गया। इंसान औलाद के लिए सब कुछ करता है मुंशी, जब औलाद ही न रही तो उस हरियावल से
वो बंजर जमीन की भली जिसे देखकर हम अपने लावलद होने पर आंसू तो बहा सकेंगे, आंसू तो बहा सकेंगे। ये सब कहाँ की तैयारी? हम जमीनों पर जा रहे हैं मियो। जमीनों पर? आप हैरान ना होइए, अब्बा हुजूर के तानों ने हमें एहसास दिला दिया है कि हमें उनका हाथ बटाना चाहिए। लिहाजा इस साल उनकी जगह हम मजारों में जमीन तकसीम करने जा रहे हैं। हम उनकी जमीनों को बंजर नहीं रहने देंगे। मिर्जू, आपने हमारा मशहूर रेडियो प्रोग्राम नहीं सुना? रेडियो प्रोग्राम नहीं तो बेटे? नहीं सुना? 1 2 3 4 तब तब के बाव बेलिया, तब तब के बाव बेलिया। अच्छा अच्छा बेटा, मैंने सुन लिया है। लेकिन बेटा, तुमने तो आज तक गांव की सूरत भी नहीं देखी। आप घबराइए नहीं मम्मी हुजूर, मुंशी अल्लाह दाद हमारे साथ, हम गांव की सूरत भी देख लेंगे और सीरत भी। लेकिन आपके जिम्मे हमारा एक बहुत जरूरी काम है। क्या काम है बेटा, बताओ ना। मम्मी हुजूर, आप हमारे तोपचियों का ख्याल रखिएगा, कहीं ये हमारी आदमियां लटक लटक कर लंबे ना हो जाए। और हमारे फौजियों का भी ख्याल रखिए, हमारी जुदाई में रो रो कर इनकी वर्दियां ना फट जाए। आप इजाजत दीजिए। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। जी बेहतर। मम्मी हुजूर, कैरी हुजूर से कह दीजिएगा कि अब हम अपने आप को बदल कर इनके सामने आएंगे। काफी शो यस सर, चलने की तैयारी की जाए। रेडी सर। खुदा हाफिज मम्मी हुजूर। खुदा हाफिज बेटा। जा रहे हैं चलती, हमारे आने तक तुम कोई नया खेल याद करके रखना। नवाब साहब, नवाब साहब, आपकी जगह साजिद गांव गया है। उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया है। आपका बेटा ठीक हो गया है नवाब साहब, आपका बेटा ठीक हो गया है। क्या कह रही हो देखो? एक एक लफ्ज सच है। काश आप देखते कि जाते वक्त उसने कितनी खुद एतमादी से कहा था, मम्मी डैडी से कह दीजिएगा कि अब मैं अपने आप को बदल कर ही उनसे मिलूंगा। लेकिन साजिद को हमसे मिलकर जाना चाहिए था, गांव के लिए चंद हिदायतें जरूरी थी। वो बच्चा थोड़ी है, सब समझता है। बात बच्चे की नहीं ना तजुर्बेकारी की है। साजिद ने सारी जिंदगी नहीं देखा कि गांव कैसा होता है। तेरे मुख पे मलाया आया ओ सदके जवान, बल्ले बल्ले।
नहीं बोली। अगर आज उसने तुम्हें कुछ कह दिया तो इसे बुरा मानने की कौन सी बात है? बुरा मानने की नहीं, उस मोटी ने तो मेरी हड्डियां तोड़ दी। चल छोड़, छूट दे गुस्सा, छूट देना कि अपनी सहेली की बात नहीं मानोगी। तू कहती है तो छूट दिया, वरना आज सारी दुनिया चीनो चीनो, देख वो क्या रही है। हाय अल्लाह, ऐसी मोटी गाड़ी तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है। मेरी समझ में नहीं आता, आप रो क्यों रहे हैं? चुप हो जाइए, चुप हो जाइए सरकार, चुप हो जाइए। हमें चुप ना कराओ लावाज, ऐसे मौकों पर हम बहुत रोते हैं और आने वाली सुबह का ख्याल करके लरज उठते हैं। हमें बैंड बाजे बजा के कौन जगाएगा? वो तो सब ठीक है सरकार, लेकिन खुदा के लिए अपनी हालत पर रहम खाइए। देखिए गांव आ गया, उसे भी गाड़ी में बिठा लो ना। आप क्या फरमा रहे हैं सरकार? गांव आ गया है, गांव? जी गांव आ गया जी सरकार। अरे तेरे मुंह में जबानी है क्या? कोई तेरा मर गया है? ये कौन कम अपनी ना हंजार जंगली लड़की है जिसने हमारी पहली पैदावार पर पानी दे डाला है? यू हम तुझे सजा देंगे। जबान इस्तेमाल की बात करना, मेरा नाम शिमी है शिमी। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा मगज गाड़ी की तरह धो डालू। मैं हर काम बड़ी तेजी से करती हूँ। हर काम बड़ी तेजी से करती है, इसका मतलब ये है तो पहले हमें इसको शो करना पड़ेगा। तुम बदतमीज जंगली नाराज गुस्सा हम तुझसे अपनी तौहीन का बदला लेंगे। यू चमगादड़, गाँव में रहना है तो सुनने से बना कर, वरना तेरे गाँव में जीना बाबा कर दूंगी। यू स्टूपिड,
हम इस गांव के मालिक हैं, हम तुझे इस गांव से बाहर निकलवा कर फेंकवा देंगे। छोटे सरकार चुप रहो अलादा, आज हम इस छोकरी की तमाम तेजी और तरारियां निकाल डालेंगे। अपनी खैर मनाओ सोते, ये मत भूलो कि मैं दिलावर की बहन हूँ, उसकी एक ललकार से गांव की गांव खाली हो जाती। तो जाओ अपने भाई को कहो कि इस गांव में भी आकर एक ललकार मारे, ताकि ये गांव तुम जैसी चमगादड़ों से खाली हो जाए। दोबारा बेटी तुम ही झगड़ा छोड़ो, जाओ घर जाओ। देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, घर चली जाओ बेटी, खुदा के लिए घर चली जाओ। ये लड़की है या फुटबॉल है, मेरा जी चाहता है इसे किक मार दूंगा। देख लूंगा तुझे और तेरे भाई दिलावर को। दिलावर गांव के जज की तरफ आग उठाकर देखने वाले की आंखें निकाल लेता है राजू, ये जानकर भी तूने रेशमा को इस गांव से भगाने की कोशिश की। लेकिन हमें दूसरे को प्यार करते हैं भैया। प्यार करते हो तो फिर ब्याह क्यों नहीं कर लेते? क्या तू चाहता है कि गांव के दूसरे छोकरे छोकरियां तेरे नक्शे कदम पर चले? रेशमा का बाप हमारी शादी के खिलाफ है भैया, अगर मुझे रेशमा न मिले तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा, और मैं रेशमा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता भैया। अच्छा ठीक है तू अपने घर चला जा और अपने बाबा को मेरे पास भेज दे, मैं खुद उससे तुम दोनों की ब्याह की बात कर लूंगा। अतुल, जब तक रेशमा तेरी दुल्हनिया नहीं बन जाती उस वक्त तक उसकी तरफ आंख उठा कर भी मत देखना, इसलिए कि दुल्हनिया बनने से पहले रेशमा इस गांव की इज्जत है और गांव की इज्जत दिलावर की इज्जत है। क्या चला गया? अरे 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 क्या बात हो गई मेरी बहन, या रो क्यों रही है? अरे कुछ बता भी तो सही, क्या हुआ बोलना। अच्छा अच्छा तेरी आंख में कुछ पड़ गया होगा। अच्छा खाने के लिए कुछ पैसे चाहिए हैं? अरे अरे क्या तेरी चोट लग गई? ओहो कोई मर गया है? बोलो बोलो क्या किसी से लड़ाई हो गई? ओह शुक्र है, हाँ मैं खोपड़ी तो ले ली। किससे भी? वो गाड़ी वाली नवाब से। आए वो गाड़ी वाला नवाब कौन है भाई? बड़े सरकार का बेटा, और ये आज गांव आया और आती के साथ मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। बड़ा सरना था, कह रहा था तुझे और तेरे भैया को देख लूंगा। देखो भैया उसने तुम्हें ऐसा कहा। लेकिन उसने ऐसा कहा क्यों? मैंने उसकी गाड़ी पे पानी से डाल दिया था। हाँ तो शरारत पहले तू। हाँ, मुझे नहीं शरा, यहाँ से दुश्मन किसी ने तो गोली नहीं मारोगे। अरे कौन दुश्मन, कैसा दुश्मनी? अरे पगली ये जो इतना बड़ा गांव है ना, वो सब इसके मालिक है। और देखना अगर तेरी शरारत तो उन्होंने तुझे थोड़ा सा डांट दिया तो क्या हुआ? जैसे कुछ हुआ ही नहीं, हम कोई गरीब थोड़ी है, उनके जमीन पर हल थोड़ी चलाते, हमारा अपना कुआं अपनी जमीन है। अरे तो इन सब बातों से उसका क्या मुकाबला पगली? अच्छा अच्छा जा, सब सारे काम छोड़ के बाबा के पास बैठ जाके, तू जरा सी उनकी नजरों से दूर हो जाती वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। जा ऐसे नाराज सिंह जी। तूने तो उस नवाब को माफ कर दिया ना, पर मैं ना माफ करूं उसे। हमने तेज आदमी को ठीक कर दिया है, वो सिद्धि तो कोई शाही नहीं, हम उसे चोटी की तरह मसल देंगे। लेकिन छोटे सरकार, उसने हमारे उड़न कटोले को ताबी किया है अलादाब, हम उसे तबाह बर्बाद कर देंगे। अलादाब हम गांव आके जमीनों का बंटवारा करने उल्टा उस छोकरी से दुश्मनी मोल बैठे। खैर कोई बात नहीं, उसे हमारी दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। चलो इतने हथियार लेकर कहाँ चले सरकार? दुश्मन की तलाश में। थोड़ी देर आराम तो कर लिए सरकार, और आपकी थकन भी नहीं। ओ, बहादुर जब अपने दुश्मन पर हमलावर होता है तो फौलाद बन जाता है। अलादाब शायद तुमने हिस्ट्री नहीं पढ़ी। रेडी फॉर अटैक? आई एम रेडी। बॉस तो ऊपर टैंक तो रहेगा। यू स्टूपिड, इसे हम अपने दूसरे हमले में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है मार्च। बॉस क्या है, हम तुला ना कर ले? क्यों? अगर वो भी रेडी हुए तो। यस डेंजर डेंजर। बको मत, यू किधर? छापा मार के चलो। ठीक है याहू। पीछे से आवाज देकर बस अपनी मत फैला वाला दाद, बल्कि हमारे सामने सीना फुलाकर चलो, ताकि हमारे हौसले तितर बितर हो जाए। जी हमारा मतलब है हमारे हौसले बुलंद से बुलंद तर हो जाए। सरकार आपने कहाँ चल लिए? जंगो चरल करने, दुश्मन को नीच तो नाबूद करने, उस दुश्मन को। क्या खामोशी बॉस, अपना प्लान लीक आउट मत करें बॉस, ये सब मुझे दुश्मन के जासूस करते। मस्त
तो अब जासूसियां भी अमल में आ गई हैं। जासूसियां? हाँ, परिंदों से। हम शिकार पर जा रहे हैं। तो फिर आइए सरकार, मैं आपको वहां ले चलूं जहां शिकार ही शिकार है। ठीक है ठीक है, हम चलते हैं शिकार पर। शुक्र है मेरे मौला। गलत रखी है सरकार, बंदूक तो दाएं कंधे से लगाई जाती है और आप। अल्लाह, हम कोई अनाड़ी शिकारी नहीं है, हमने बंदूक जानबूझकर इस तरफ लगाई थी। वो किस लिए सरकार? डोंडो। हाँ माय डियर बुजुर्ग, वो इसलिए कि इस वक्त हमारे दाएं कंधे पर नेकियों का फरिश्ता बैठा हमारी नेकियों का हिसाब किताब कर रहा हो। हम नहीं चाहते कि अपनी बंदूक का बट मारकर उसे अपने कंधे से उड़ा दें, ताकि अपनी करी कराई नेकियों का अकाउंट खराब कर ले। अंडरस्टैंड? जी जी। माशाल्लाह, छोटे सरकार हम रैकल वाले हैं। तो फिर लगाइए निशाना सरकार, वो देखिए दो शिकार और आ गए। नो वाला दाद, दरअसल तुम नहीं समझते, अभी तक हमारे पाए का शिकार नहीं आया। पाए? यू मीन ब्रेकफास्ट? वो पाए नहीं, तो पे। हाँ तो लादा, अक्सर हम अपनी एक गोली से इकट्ठे 50, 60, 70, 80, 90 परिंदे मारने के आदि। एक दो तो हमारी दहशत से गिर जाते हैं। सरकार, वरना शिकार निकल जाएगा। अल्लाह जी, पहले तुम हमारी एक बात कानून तो सुन लो। जी फरमाइए सरकार। प्यारे बुजुर्ग, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम गोली भी ना चलाए और शिकार भी हो जाए? जो आप क्या कह रहे हैं, हम ठीक कह रहे हैं अल्लाह दाद, हमने तो कभी हाथ में भी गोली नहीं चलाई। ये सब कुछ कुछ आनंद पानंद में गड़बड़ हो गई है। मकाम बड़ा नाजुक है सरकार, गांव के लोग जमा हैं, बिना सोचे समझे घोड़ा दबा दीजिए सरकार, जल्दी से दबा दीजिए। अल्लाह, हम तो अपनी तुम दबाने की सोच रहे थे, तुम घोड़ा दबाने को कह रहे हो। अटैक बॉस, खुदा। गाला देखिए, गिर गई एक, गिर गई, गिर गई। ये सारी की सारी गिर गई? नहीं सरकार, सिर्फ एक गिर गई। एक गिर? कोई बात नहीं, बाकी सब अपने घर जाके गिर जाएंगे। अरे फिर उसको तो पकड़ो, चलो 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 मुझे दे दो शिन्नी, ये हमारे छोटे सरकार का शिकार है। छोटे सरकार का हो या मोटे सरकार का, नहीं दूंगी, जाओ जाकर क्या अपने बावले सरकार को। दुश्मन, आप फिक्र न करें, मार्च करें। लड़की, हमारा शिकार हमें वापस कर दो, वरना वरना क्या? वरना हम ऐलानी जंग कर देंगे और ये सारा गांव मैदानी जंग में तब्दील हो जाएगा। अबे जा जा, ये रोक किसी और पे जमाइयो। दुश्मन! ओए गरीब अभी! देखो, हम नहीं चाहते कि ये गांव मैदानी जंग में तब्दील हो जाए, लिहाजा हमारा शिकार हमें वापस कर दो। तुम्हारा शिकार वापस नहीं होगा, तुम्हारे शिकार ने हमारे मकान गिरा दिए। दुश्मनी और ज्यादा बढ़ाओ दुश्मन, ये जानकर ही हमारा शिकार हमें वापस कर दो कि हम इन जमीनों के मालिक हैं और तुम हमारी इजाजत के बगैर यहाँ कोई मकान नहीं बना सकते। मैं बना सकती हूँ। उसे हम फिर गिरा देंगे। मैं फिर बनाऊंगी। हम उसे फिर गिरा देंगे। मैं फिर बनाऊंगी। हम फिर गिरा देंगे और उस वक्त तक गिराते रहेंगे जब तक तुम अपने मकान का नक्शा नहीं पास करा लेते। क्यों? क्या मतलब? मतलब ये कि नक्शे के बगैर कोई काम नहीं हो सकता, जंग भी नहीं हो सकती, लिहाजा हम जंग का नक्शा बनाने जा रहे हैं। तुम हमारा इंतजार करना, हम नक्शा बनाकर अभी लौटते हैं। चलो हुजूर। आओ लड़ा। जी सरकार। लो शमी, तैयार हो जाओ। छोटे सरकार तो जंग का नक्शा बनाने गए हैं। अरे जा जा, वो क्या मेरे साथ जंग करेगा, वो तो सिर्फ बातें भगाना जानता है। तो तुमने बड़ा तीर मार दिया था, तो क्या मैं उससे सचमुच मार देती?
अच्छा तो यूँ कहो तीर मारा नहीं तीर खा लिया है। क्या जाओ फिर मुँह की जबान पे कितनी मिठास थी। गया है तो जी जाता है कि वो अपनी उल्टी सीधी बातें कुछ देर और करता रहता और ये लड़ाई कुछ देर और जारी रहती। ये लड़ाई कोई ना कोई चांद चढ़ा कर ही रहेगी। आप फिक्र ना करें सर, मैं चांद को पकड़ के लटक जाऊंगा, वो चढ़ेगा ही नहीं। यू फूल शैतान, हम अपनी शिकस्त पर पानी पानी हो गए हैं और ये शिकस्त हमें सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई। मेरी वजह से? ये तुमने हमें बंदूक चलानी क्यों नहीं सिखाई हुदहुद? उस वक्त पत्थर के बुद्ध बने बेशर्मों की तरह हमारे मुंह की तरफ क्या तक रहे थे? तुम हमलावर तभी हो गया। वो सर, सर नहीं बेसर कहो। सर तो हम उस दिलपिली दुश्मन से कटवाए हैं। हुदहुद, जब हमने इतने कटे हुए सर से तुम्हारी तरफ देखा तो तुम हमें हुदहुद के बच्चे नहीं मुर्गी के बच्चे दिखाई दिए। बंद करो अपनी चोंच, तुमने हमें कहीं का नहीं रखा। अब हम अपनी रियाया को क्या शक्ल दिखाएंगे हुदहुद? कोई बात नहीं, अब हम अकेले ही अपने दुश्मन को फना पिल्ला कर देंगे और जब तक हम अपने दुश्मन को फना पिल्ला ना करने तुम अपनी एक टांग पर खड़े रहो इस पूरे एमुनेशन डिब्बू के साथ। यस, जाओ ठीक से। सूरज डूबने से पहले ब्लास्टिंग हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि दुश्मन को शिकस्त देनी हो तो पहले उसका हुक्का पानी बंद कर। जहां तक हमारा ख्याल है ये हुक्का तो पीती नहीं होगी, रह गया पानी तो हम इसका मटका तोड़ देंगे, प्यास से बिलक बिलक कर खुद ही हथियार डाल देंगे। तैयार हो, छोटे सरकार तो जंग का नक्शा बनाने गए हैं। अच्छा तो यूँ कहो तीर मारा नहीं तीर खा लिया है। तुमने मेरा मटका क्यों तोड़ा? और ऐसी बात निकालकर हंस क्यों रहे हो? अपनी बात है, हमने तुम्हारा मटका तोड़कर तुम्हारा राशन पानी बंद कर दिया है, अब तुम भूखी प्यासी हमसे मुकाबला नहीं कर सकोगी दुश्मन। तुमने तो मेरा एक मटका तोड़ा है ना, ऐसे 10 मटके मेरे घर में मौजूद है, मैं और ले आऊंगी। लिया तुम और ले आओगी? इसका मतलब है हमें शिकस्त का मुंह फेरना पड़ेगा। मैं कहाँ जाऊंगा? दुश्मन हमें बचा लो, दुश्मन प्लीज। तुमने दुश्मन होकर हमारी जान बचाई है, आज से सारी दुश्मनी खत्म। लो हम तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। लो क्यों देख रही? मेरे दिल में कुछ यूं यूं सा होता है, और जानती हो दिल में यूं कब होता है? हाँ, जब दुश्मन दुश्मन न रहे, दोस्त बन जाए, अपना बन जाए। दुश्मन दुश्मन न रहे, दोस्त बन जाए, अपना बन जाए। ओ हमारे तुमकी बिना निकल जाओ हमारे घर से, और फिर कभी इस तरह मुंह भी ना करना। तुमने हमारे बेटे को नाअहल और नाकारा बना दिया है,
अब उसकी तबीयत संभली है तो हम उसके वापस आने पर उसे तुम्हारी सोबत से दूर रखना चाहते हैं। ऐसा ना कहिए नवाब साहब, ये सब तो साजिद की जान है। आप खामोश रहे बेगम, हम जो कुछ कर रहे हैं साजिद के लिए इसलिए बेहतरी है। चुप रहे, हमारे मुंह का देख रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। कैसा बैंड है, बंद करो इसे, इसे सुन कर तब सारी जिंदगी नहीं उठ सकेंगे। ओके की आवाज सुनकर तो चेचे चाचा भी करने लगा। उसका मतलब है तुम्हारे दिल को मेरी बांसुरी की आवाज अच्छी लगी। इतनी अच्छी लगी कि हम अपने बैंड बाजे भी भूल गए। अब तो जी चाहता है बस इसी की आवाज सुनते रहे। बजाओ ना बांसुरी, बजाती क्यों नहीं, बजाओ ना। परदेसी, तुम्हारी आंखों ने मुझ पर जादू कर दिया है। जी जाता है बस तुम्हें देखती रहूं। या अल्लाह तेरा शुक्र है। बॉस आप चट्टान पर सो रहे हैं, ये तो परिंदों के सोने की जगह है। जल्दी से उठिए वरना लोग कहेंगे तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। उठिए बॉस, बॉस। हुजूर तो वो कहां गई? कौन कहां गई भाई?
जिसकी बांसुरी की आवाज ने हम पर जादू कर दिया है, मगर वह हमें इस तरह सोता हुआ छोड़कर क्यों चली गई? कहां चली गई? इतना शुक्र है कि मैं उधर अकेली ही आ निकली। अगर दिलावर भैया या किसी गांव वाले को गुजर हो जाता तो मुसीबत ही आ जाती। देखो जी, हमको बेफजूल बात की आदत नहीं, पर जिन्हों जाने इस बापू ने बैठे बैठे सिन्नी पे क्या जादू कर दिया है। उसकी आंखों को देखकर यूं महसूस होता है जैसे हमें इन्हीं आंखों का इंतजार था। लेकिन इतनी जल्दी ये जमीन और आसमान मिल कैसे गए? नमन जुआ कर दी। यूं समझ लो दो, हमने अपनी जिंदगी पर पहली बार संजीत की सवार किया है। हमें यूं लगा जैसे हम आज तक हंगामों में नहीं किसी वीराने में भटक रहे हैं। उसकी बांसुरी की आवाज ने हमारे तमाम बैंड बाजों को चुपना चूर कर दिया है। जब हमें झूठे और खोखले दिखाई देते हैं। मेरे मुतल्लिक क्या ख्याल है बॉस? हमसे क्या पूछते हो वदुद? हमें तो खुद अपने मुतल्लिक कोई इल्म नहीं है। अब तो सिर्फ एक सूरत ज़हन पर छाई है, एक ही आवाज कानों में आ रही है, बांसुरी की मीठी और मधुर आवाज।
अम्मी, तुमको बांसुरी बजाना किसने सिखाया? बस खुद ब खुद आ गई। खुद ब खुद? मगर मुझे तो नहीं आई। तुम बजाना चाहते हो? तुम सिखाओगी? हाँ, ये भी कोई मुश्किल काम है। ये लो, आ जाओ। ऐसे नहीं जोर से फूंक मारो। ये तो बचती नहीं। आ जाएगी ऐसा ऐसा। जब भी मुझे तुम्हें बुलाना होगा, इस बांसुरी की आवाज मेरा पैगाम बनकर तुम तक पहुंचाया करेगी। और जब तुम्हें मुझे ना बुलाना हुआ तो मुझे मौत आ जाए। बापू, तुम्हें मेरी कसम, ऐसी मनहूस बात कभी जबान से मत निकालना। ये क्या बदतमीजी है उदुद? उदुद, बदतमीजी नहीं बाप, टाइम थी। आपसे घर जाने का टाइम हो गया है, लिहाजा चलिए। क्या बकते हो? फिलहाल अंत कर रहा हूँ। ये गांव है, शहर का क्लब नहीं है। यहाँ रात 9 बजे के बाद खतरात चारों तरफ मंडलाने लगते हैं, और आपको खतरात से बचाना मेरा फर्ज है, इसलिए कि मैं आपका गार्ड बॉडी गार्ड हूँ। या तो बीबी जी से छुट्टी लीजिए और मुझे हिफाजती इकदाम करने का मौका दीजिए। प्लीज हुजूर, 5 मिनट और। नो बॉस, इस घड़ी की सुइयां नहीं मानती, मजबूरी है। प्लीज हुजूर, मुझे मजबूर न करें बॉस, वरना मैं आपको उठा कर ले जाऊंगा। हुजूर, बकवास बंद करो। नो बॉस, यम हम हू हू यम हम। अरे अरे हुजूर, छोड़ो मुझे, छोड़ो। हुजूर के बच्चे मैं दोनों बेइज्जती नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो, छोड़ो। शमी, शमी बचाओ। होल, मैं तुमसे कल मिलने आऊंगा। शमी, हुजूर। कहाँ से आ रही हो? देखो जी, हमको बेफजूल बात की बिल्कुल आदत नहीं, इसलिए हम खड़े खड़े कह देते हम जीनू के यहाँ गए थे और वहीं से आ रहे हैं। जीनू तो तुम्हारा पूछने यहाँ आई थी, तुम अब झूठ भी बोलने लगी हो। बस हमने कह सोची जीनू। हाँ हाँ, आप तुम क्यों यकीन करने लगे? हाँ तो भाई, ये तो भाई, क्या जमाना आ गया, अब तो बहन की बात भी छोटी मालूम लगे। हाय मेरे अल्लाह, किसी की आए मुझे आ जाए। झूठ बोला तूने? नहीं सच्ची तेरी कसम। बाबा, इसने मेरे सामने झूठ बोला है, आज मैं इसे पूछ के रहूंगा। हर वक्त का गुस्सा अच्छा नहीं होता। ये मेरी बेटी है, मुझे भरपूर आए तुम्हारा, किसी ज्यादा हिमायत मत किया करो बाबा, वरना एक दिन बहुत पछताऊंगी। इलावर, तुम्हें तो हर लड़की में बुराइयां नजर आती। हो गई बेगम, आदमी को इतना भी गैर जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। एक महीने से कोई इतला ही नहीं है साहिबजादे की। पहली मरतबा गांव जैसी नई जगह गया है, खेल कूद में ख्याल नहीं रहा होगा। इतना तो सोचिए, पहले वो अपने बहन बाजों से चंद दिन दूर भी नहीं रहता था, और अब उसे पूरा एक महीना बीत चुका है। इसका मतलब है हमारा बेटा संवर गया है, उसने सब फजूल बातें छोड़ दी हैं, और अब वो
सभी को कुछ चाहिए, मुझे कुछ नहीं। बस बस शमी को कुछ मत चाहिए। अपने घर के जवान को मेरी बहन का नाम मत दीजिए जनाब। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी बहन को गंदी नजरों से देखा। के लिए इतनी ही सजा काफी। बाबा मैं फिर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यही दिलावर गोलियों के शोर में अपनी इज्जत का नीलाम करने से बेहतर है कि सेनाइयों के शोर में बेटी के जनाजे को कंधा देते उठाने से। ना जाने हमारा दिल क्यों घबरा रहा है। हमें अपने बेटे के पास गांव ले चुके हैं, जरूर उस पर कोई मुसीबत टूटी है। बेगम, हम आप दोनों माँ बेटे को आज तक नहीं समझ सके। चलिए तैयार हो जाइए, मैं आपको आपके बच्चे के पास ले चलूं। आइए बॉस, एक बार होश में आकर मुझे बता दीजिए आपका ये हाल किसने किया है। अगर उसकी लाश आपके कदमों में ना फेंकूं तो मुझे अपना गुलाम न कहिएगा। चारों तरफ अंधेरा क्यों है? कमरा तो रोशन है बॉस। कमरा रोशन है तो फिर मुझे मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? मुझे दिखाई क्यों नहीं देता अर्दुत? क्या मैं अंधा हो गया हूं? एक बार मुझे उस आलिम का नाम बता दीजिए बॉस, जिसने आपकी आंखें छीनी है। मैं उसकी जिंदगी छीन लूंगा। नहीं उद्धव, हम तुम्हें उसका नाम नहीं बता सकते, इसलिए उसके नाम के साथ किसी की इज्जत वाबस्ता है। मैं अपनी इज्जत के खातिर छीनने को चांस से मार दूंगा बाबा। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उसका त्याग कर दो, वरना वो गोली जो छिन्नी के सीने में उतरने की वो मैं अपने सीने में जुटा सकता हूं। साजिद बेटे, मम्मी, साजिद बेटे, नहीं, साजिद मेरे बेटे, ये क्या हो गया है पिता? मैं ये तुमने क्या हालत बना रखी है? तुम और समझो नहीं साजिद। तुम बताओ ये सब कैसे हुआ? तुम चुप क्यों हो? बाबे क्यों नहीं? हमारे बेटे पर हाथ उठाने की जरूरत किसे हुई? हम उसके खानदान को लहू में नहला देंगे। तुम बताओ। मैं कुछ नहीं जानता सर, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। ओ, तुम सब फजूल आदमी हो। अब मैं तुम्हारा बुजुर्ग साजिद के साथ बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम हमेशा मेरे बेटे के साथ रहते थे, इस तक के मजाक तुम आओ निकल जाओ यहाँ से। उसे मत निकालिए, मेरा दोस्त है। ये सब तुम्हारे दुश्मन है बेटे, इन्होंने तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी है। इन्होंने तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी है मेरे लाल। ये तुम्हारे दोस्त है, ये तुम्हारे दोस्त। हमारे बेटे को मारने की जरूरत किसे हुई? शाम तक हमारा मुजरिम सामने आ जाए, वरना हमारे बेटे की जिंदगी में अंधेरा करने वाले का अंजाम दुनिया देखेगी। आज मैं नवाब को बता दूंगा कि हम गरीबों की इज्जत उनके खोखली इज्जत से ज्यादा महंगी होती है। मेरी बात सुनो जिला। बाबा मैं पुलसिलों की तरह उन छोटे लोगों की बड़ी बड़ी ललकारें नहीं सुन सकता। मुझे जाने दो बाबा। जनवादी मत बनो। पूरे गांव की मौजूदगी में सामने आने का मतलब है कि तुम खुद ही अपने आप को नंगा कर रहे हो। खबर करो दिलावर, आज तुम्हें एक बहुत बड़ा तमाशा दिखाने वाले हैं।
हम तुम्हारी बात मानकर गांव वालों के सामने तमाशा नहीं बनना चाहते। अब बात हमारी इज्जत और वकार की तरफ बढ़ी है तो हम खामोश नहीं रहेंगे। हमें बताओ साजिद, वो कौन है जिसने हमारे खानदान के वाहिद चिराग को बुझाना चाहा, जिसने तुम्हारी आंखों की रोशनी दी? हमें बताओ साजिद, वरना हम तुम्हारे सामने अपने आप को गोली मार देंगे। नहीं नहीं, ऐसा ना करिए। मैं आपको ना बताने पे बाखुदा सिर्फ इसलिए मजबूर हूं कि उसका नाम बताने से किसी की रुसवाई होगी। हमसे बड़ा इज्जतदार कौन है जिसकी रुसवाई का तुम्हें डर है? है डैडी, कोई है। कौन है वो बताओ हमें। कौन हो तुम? वही नवाब साहब जिसने आपके बेटे की आंखों का नूर लूटा है। चुप खड़े मेरी सूरत क्या देख रहे हैं नवाब साहब? निकालिए बंदूक पर, आवाज दीजिए अपने उस गुरूर को, उस शाम को जो ये जाने बगैर तैश में आ जाती है कि नवाबों के अलावा भी कोई इज्जतदार है चक में। इज्जत आप लोगों की जायदाद नहीं है नवाब साहब। आप बकते हो लड़के। बकता नहीं, आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपके लड़के ने मेरे छोटे से घर की बहुत बड़ी इज्जत की तरफ गंदी आंखों से देखा था और मैंने इसकी आंखें निकाली। इसे यहाँ से ले जाइए नवाब साहब, वरना मैं इसकी जिंदगी खत्म कर दूंगा। लड़के ले जाइए इसे, मैं गुस्ताख को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं दादी नहीं, आप दिलावर से कुछ कहने के बजाय उसे अपने सीने से लगा लीजिए ताकि जो शक उसके दिल में पैदा हुआ है वो उसके और मेरे मजबूत रिश्ते में ढलकर खत्म हो जाए। साजिद। हाँ डैडी, मैं और शमी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आप दिलावर से शमी को मांग कर ये साबित कर दीजिए कि इज्जत चाहे अमीर की हो या गरीब की, एक जैसी होती है। बकमत, हमें मालूम नहीं था कि तुम्हारी इस हालत के पीछे तुम्हारे अपने जुर्म छुपे हैं। तुम इन छोटे लोगों के सामने हमें जलील करना चाहते हो साजिद। हम अभी और इसी वक्त वापस जाएंगे। नहीं डैडी, तुम उस दो टके के आदमी से शादी की बात करते हो और हम उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते। हम तुम्हें अब एक पल यहाँ नहीं रहने देंगे। नहीं डैडी, मैं शम्मी को छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना पड़ेगा, हम तुम्हें जबरदस्ती लेकर जाएंगे। नहीं डैडी। शम्मी, बड़े साहब तेरे बाबू को शहर ले गए। मुझे अकेली चाहिए, मुझे अकेली चाहिए, मुझे शम्मी के पास जाने दो, मुझे शम्मी के पास। मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने इन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया है। फिलहाल इन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं, आप लोग घर जाकर आराम कीजिए, सुबह आ जाइएगा। ले चलो तब उस गाँव में जहाँ हमारी खुशियाँ हैं, जहाँ हमारी शम्मी है, हमें ले चलो तब यहाँ से ले चलो। तुम्हें हमारी जान की कसम हो दूध, खुदा के लिए हम यहाँ से ले चलो। चलो दूध ले चलो यहाँ से। मालूम नहीं
चाहे तो फिर वादा निभाना होगा, इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा, तुझको आना होगा, तुझको आना होगा, तुझको आना होगा, इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। दुनिया वालों से जो डर जाए ये वो प्यार नहीं, आना चाहो तो कोई राह में दीवार नहीं, आना चाहो तो कोई राह में दीवार नहीं, प्यार के दर्द जमाने को चुकाना होगा, तुझको आना होगा, तुझको आना होगा, इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। जिस्म के नहीं रूह के खिल सकते हैं, जी के हम मिल ना सके मर के तुम मिल सकते हैं, जी के हम मिल ना सके मर के तुम मिल सकते हैं, फासला सदियों का एक पल में मिटाना होगा, तुझको आना होगा, तुझको आना होगा, इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। सामने से हट जाओ, नहीं हट जाओ नहीं तो उधर क्या हो गया तुम, उधर हट जा, उधर हट जा, उधर खुद उसका कुछ नहीं करो, मैं तो ये तूने क्या किया, मैंने वही किया बाबा जो एक गैरतमंद भाई को करना चाहिए था, मैं अपनी इज्जत के रास्ते में आने वाली हर दीवार को गिरा लूंगा, मुझे ये बेगैरती अच्छी नहीं लगती बाबा, मुझे ये बेगैरती अच्छी नहीं लगती, नहीं अच्छी लगती, चल बाबा, चल नहीं, हुदूद, ये क्या हो गया हुदूद, मैंने अपना पूरा
तुम्हारा बाबा बुद्दिली या बेगैरत नहीं दिलावर। फिर तुमने उस वक्त मुझे क्यों रोका था बाबा? जहाँ एक कत्ल हुआ वहां दो और तीन भी हो जाते तो कम अज कम सलाखों के पीछे मैं अपने सजा के दिन तो सुकून से काट सकता था। सजा की बात न करो दिलावर, तुमने उसे जानबूझकर कत्ल नहीं किया। सजा हो या माफी मुझे इसकी परवाह नहीं बाबा, लेकिन इतना याद रखो अगर मुझे माफी हो गई तो फिर दो कत्ल और होंगे, और अगर तुम चाहते हो कि ऐसा ना हो तो फौरन शिंदी का ब्याह कर दो, इसलिए कि मैं ये बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारा बेटा हमें शिकस्त देना चाहता है बेगम, हम अपने खून से तो मुंह मोड़ सकते हैं लेकिन अपने खानदान की रिवायत और उसूल नहीं तोड़ सकते। हमने गांव वालों को कहला भेजा है कि अब हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, हमने उसे अपनी जायदाद से आफ कर दिया, अब वो चाहे खंडरात में रहे या गंदी नाली में, हमें उससे कोई सरोकार नहीं और तुम्हें भी नहीं होना चाहती। मेरी बात मान लीजिए छोटे सरकार, अपने घर नहीं तो मेरे ही घर चलिए, कब तक इन वीरानों में भटकते रहेंगे आप? हमें यहाँ से ना उठा होना था, हमें ये जगह बहुत अजीज है, यहाँ हमारे प्यार की खुशबू बसी हुई है, यहाँ अकेले में कोई हमसे बातें करता है और लगातार यहाँ हमारा हुदहुद हमारा अजीज दोस्त रहता है, वो कितने सुकून से सो रहा है। देखो लदार, कल तक ये हमारी हिफाजत करता था, अब हम इसकी हिफाजत करते हैं, अगर हम यहां से चले गए तो ये क्या सोचेगा? हमें यहीं रहने दो लदार, अब ये खंडर ही हमारी कुल कायनात है। छोटे सरकार अगर हमें कुछ समझते हो लदार तो खुदा के लिए हमें तनाव छोड़ दिया, चले जाओ यहां से लदार, चले जाओ यहां से।
ऐसा नाता जोड़े टूटे। क्या है जितनी बरसाते हो प्यार का रंग न छूटे, प्यार के रंग में ऐसे रंग जाए। लगे के मर जाए मर जाए। ओ हो हो के नाम पे मरन पड़ा तो हम सौ बार मरेंगे। इश्क वालों के अफसाने दोहराए, आओ सीने से लगे के मर जाए मर जाए। मिट सकती है लेकिन प्यार अमर है। जिस पे इश्क की चोट पड़ी हो दिल वो खुदा का घर है। इश्क ही इश्क हो हम जिधर जाए, मर जाए मर जाए। हम जुदा फिर कभी ना हो पाए, आओ छोटे सरकार छोटे सरकार छोटे सरकार छोटे सरकार। अरे अरे ये तो बुखार है छोटे सरकार। बहुत सीरियस है बेगम साहिबा, बुखार तो उतर जाएगा लेकिन साजिद जिया के जहन पर जिस किसी भी महरूमी ने असर करना शुरू किया है हो सकता है वो उनसे उनका जहनी तबादल छीन ले। डॉक्टर अगर आप साजिद जिया की जिंदगी चाहती हैं तो उनकी जो कोई भी खुशी और ख्वाहिश है उसे पूरा कीजिए। खानदान की इज्जत आन को सब कुछ समझने वाले बड़े इंसान इतना तो सोचिए, अगर बेटा ही जिंदा न रहा तो कौन पूछेगा आपके खानदान की असलियत को, कौन होगा उसके सिवा आपका और आपके खानदान का नाम लेने वाला। बेगम इज्जतें बनती और बिगड़ती रहती हैं सरताज, लेकिन बेटे मर कर जिंदा नहीं हुआ करते। मेरे बेटे की खुशियां लौटा दीजिए, मान लीजिए उसकी बात, तोड़ दीजिए इस खोखली अजमत के बुत को जिससे आपको कुछ ना मिलेगा। हमारे कदम छोड़ दीजिए बेगम। उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरे बेटे की खुशियां नहीं देंगे। बेगम
मेरे बेटे को खुशियां देने का वादा कीजिए, वरना मैं यही सर टकरा टकरा कर मर जाऊंगी। बेगम, वादा कीजिए सरताज, वादा कीजिए सरताज, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। वादा कीजिए सरताज, वादा कीजिए। आपका बेटा हमारा सर झुका हुआ देखना चाहते हैं, तो हम उस घर आपके बेटे की खुशियां लेने जाएंगे जो हमारे साया निशान नहीं। अलादात। जी सर। तुम इन लोगों को बाहर ले जाओ, हम इस घर वालों से अलहदगी में बात करना चाहते हैं। बहुत अच्छा सरकार, चलो। शादी कर ली, अभी आपकी इज्जत। शाहब, तुमने तो हमारी इज्जत हाथ में मिला दी, लेकिन हम अपने खानदान में ऐसी लड़की का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकते जो किसी भी खानदान से ताल्लुक रखती है। अब्बा हुजूर, शौकत, इस घर में कदम रखने से पहले इसकी अजमत को तोड़ लेते, इस घर में लगी हुई ईंटों को पैठ तो लेते, मोरी जी यही इस बड़े घर में सहवान तो न लगी। भाई साहब, आपको शौकत, तुम इस वक्त हमारे ही मुजरिम नहीं बल्कि पूरे खानदान के मुजरिम हो। खानदान का हर शख्स तुम्हें सजा दे सकता है, और तुम्हारी सजा यही है कि तुम इसी वक्त इस नीच घूम की लड़की को तलाश दो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हम तो तुमसे मुंह मोड़ सकते हैं, तुमसे हर रिश्ता तोड़कर तुम्हें जला त्याग भी कर सकते हैं। मैं ऐसी हजारों लाखों जायदादें शादी और उसके प्यार पर कुर्बान कर सकता हूँ। अब्बा हुजूर, तो फिर यहाँ क्यों खड़े हो? निकल जाओ यहाँ से, इस घर को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मुझे भी अब इस घर की कोई जरूरत नहीं भाईजान। ये सोने के दरो दीवार आपको मुबारक हो। घर में बसने वाले छोटे लोगों के पास ले आई। जरूरत बताइए जागीरदार साहब, उस शौकत को आवाज न दीजिए जो आज से 24 बरस पहले आपके बड़े घर के बड़े फैसलों के कुर्बान गाह पर कुर्बान हो गया। तुम यही रहे और हमें खबर भी ना हुई, यहाँ तुम्हें किसी ने पहचाना भी नहीं। अपना खून पहचानने से इनकार करते जागीरदार साहब, और कौन पहचाने का। और फिर शौकत ने तो एक नवाब एक जागीरदार की सूरत को उसी रोज बदल दिया था जिस रोज वो आपकी सोने और चांदी की दीवारों को छोड़कर आपके घर से बाहर निकला था, और उसके बाद उसने शाली की सूरत को अपनाया था और नीच और गंदी मोरी की ईंट बनकर इस गांव में इस सांस पर बसेरा किया था कि शायद जिंदगी में किसी मोड़ पर कभी आपसे टकराव हो। और आज कैसा इत्तेफाक है कि आपसे टकराव हुआ भी तो इस हाल में कि ना आपके गुरूर से तनी हुई गर्दन है, ना आपके चेहरे पर वो चाहो जलाल और ना नवाबी तमकिनत। शौकत, मैं यहां तुम्हारे ताने सुनने नहीं आया, तुमसे उस लड़की को लेने आया हूं जो मेरे बेटे की जिंदगी। जिंदगी? मेरी बेटी, शाली की बेटी। शौकत, मेरा बेटा मर रहा है। डरिए नहीं नवाब साहब, अगर आप अपने बेटे की जिंदगी चाहते हैं तो उसे भी धक्के देकर आग करके घर से बाहर निकाल दीजिए। उसने भी तो उस लड़की को अपनी जिंदगी बनाने का फैसला किया है जो शाली की बेटी है, नीच खून है। शौकत के घर में दाखिल होने से पहले इतना तो सोच लिया होता जागीरदार साहब कि कहीं इस मामूली से घर की मोरी की ईंट आपके बड़े घर में तेवन तो न लगेगी। खुदा के लिए मेरा दिल न दुखाओ, मुझे माफ कर दो शौकत। ऊंचा बोलिए जागीरदार साहब, इतना ऊंचा कि शाली की रूह भी सुन ले कि आज जागीरदार साहब को अच्छे और गंदे खून की पहचान हो गई है।
चले जाइए जागीरदार साहब, इस घर में गंदा खून बसता है, किसी अच्छे खून से अपने बेटे की जिंदगी बचाइए, इस गंदी मोरी से निकल जाइए वरना यहाँ का दम घुट जाएगा, निकल जाइए, निकल जाइए, किसी की बात नहीं सुनेगा, चले जाइए, निकल जाइए यहाँ से, और अपनी ये चारों चौकर भी अपने साथ में ले जाइए, चले जाइए यहाँ से, निकल जाइए। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? उन्होंने शमी का रिश्ता मान लिया? बेगम, ये रिश्ता नहीं हो सकता। लेकिन क्यों नहीं हो सकता? हमारे मुंह से निकली हुई बातें ही हमारे बेटे की खुशियों के रास्ते में आ गई है। शम्मी हमारे भाई शौकत की बेटी है, जिसे हमने आज से 24 साल पहले घटिया और नीच खून का दाना दिया था। शम्मी शौकत की बेटी है? हाँ बेगम, हमने उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन उसने हमें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। आज नवाब हशमत के हुरूर और दबदबे ने तो शिकस्त मान ली है, लेकिन उसे कौन मनाए जिसकी हार आज जीत में बदली है। मैं अपने बेटे की जिंदगी अपने बेटे के कदमों में गिर कर मांगूंगी। आज अपने बेटे पर आन पड़ी है तो आप आंसुओं और फरियादों को लेकर हमारे पास चली आई, चली जाइए भाभी, और उस दिन को याद कीजिए जिस दिन मेरी शाली को धक्के देकर उस घर से निकाल दिया गया था। चली जाइए भाभी, इस घर में घटिया खून रहता है और शौकत घटिया लोगों में ही अपनी बेटी की शादी करेगा। ऐसा ना कहो शौकत, ऐसा ना कहो, मैं बड़ी होकर तुम्हारे पांव पड़ते हो, इनकार मत करो शौकत, इनकार मत करो। मुझसे अपने बेटे की हालत नहीं देखी जाती, जो सारी जायदाद के कागज ले लो और मुझे मेरे बेटे की जिंदगी और खुशियाँ दे दो, अगर ये भी कम है। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरा इनकार आईना इबरत है उन झूठे सरमायादारों के लिए, जो दूसरों की जिंदगियां तबाह करते हुए ये नहीं सोचते कि वो खुद भी कभी ऐसे हालात से दो चार हो सकते हैं। जाइए भाभी, चले जाइए, मेरे घर की खुशियों को वीरान न कीजिए, देखती नहीं आज मेरी बेटी की सगाई है। बेगम साहबा, छोटे लोगों की सगाई तो देखती जाइए। मैं तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं हूँ। मैं पत्थर दिल कब था भाभी, मुझे पत्थर दिल तो आप लोगों ने बना दिया है। साजिद बेटे। मम्मी, मम्मी, चमकी ने बताया था आप गाँव शम्मी को लेने गई है। कहाँ है शम्मी, उसकी आवाज क्यों नहीं आती? बेटा वो बताइए ना मम्मी, शम्मी कहाँ है? शम्मी उसे भूल जाओ बेटे, अब वो किसी और की होने वाली है। डैडी अपने आप पर काबू पाओ बेटे, उन राह पर लौट आओ जिन पर तुम्हें देखकर हम नाराज हुआ करते थे। हमें तुम्हारी वो शरारतें बहुत याद आती है बेटे, तुम्हें इस हाल में देखकर हमारा कलेजा कट जाता है। हम आज ही तुम्हारे दिल पहनाने का इंतजाम करते हैं, आज ही इंतजाम करते हैं। साजिद बेटे, शमी किसी और की होने वाली है। Thank you.
बाप अपनी औलाद के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं बेटी, और मैंने भी तेरे लिए अच्छा ही सोचा है। ऐसा करते हुए अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना बाबा। ये जानकर बेटी कि इसमें तेरे बाबा और तेरे भैया की इज्जत का सवाल, बस मेरे बेटे देखो हम तुम्हारे साथियों को ढूंढ रहे हैं। हंसो बेटे, अब हमें तुम्हारी किसी खुशी पर कोई एतराज नहीं होगा, कोई एतराज नहीं होगा। साजिद, माँ की आंखें तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए तरस गई हैं। हंस दो साजिद, हंस दो। शम्मी किसी और की होने वाली है, 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 शम्मी किसी और की होने वाली। मैं शम्मी मुझे छोड़कर नहीं जाता। शम्मी छोड़ दो, मुझे शम्मी के पास जाना। छोड़ दो, मैं शम्मी के पास जाऊंगा। छोड़ दो शम्मी। ये बच्ची मेरी कुल कायनात है, मैंने इसे तुम्हारी झोली में डालकर अपने सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया है। मुझे बीबी की नहीं अपनी तारा के लिए माँ की जरूरत है। मेरी इस नन्ही सी बेटी को कभी कोई दुख न देना, तुम्हारी खुशियों के लिए मैं कोई कसर ना उठा रखूंगा। शमी तुम चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? सरकार, छोटी सरकार अपने कमरे में नहीं है, मैंने घर का कोना कोना छान मारा है। साजिद, अपने कमरे में नहीं है। सुबह ठीक चले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं बापू? अरे बेटा, तुम्हारे नए नाना के घर तुम्हारी अम्मी को इसके बापू से मिलाने। अब्बा जी, अम्मी क्या अपने बापू के लिए उदास हो गई थी? हाँ बेटा। सामने वाली जो सड़क है ना, रंगपुर को जाती है, यहाँ को टांगा वांगा आएगा उसमें आके चले जाना, यहाँ थोड़ी देर इंतजार कर लो। मेहरबानी भाई, अब इंतजार किससे होगा? जाते तो कहाँ जाना भाई तुम्हें? मुझे रंगपुर। अरे रंगपुर वो तो यहाँ से बहुत दूर है, इतनी दूर कैसे जाओगे बाबू? किसी न किसी तरह पहुंच ही जाऊंगा भाई। अरे चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, मेरे पास बैलगाड़ी है,
तुम काहे को तकलीफ करते हो? अरे भाई, इसमें तकलीफ की क्या बात है, चलो चलो मैं ले चलता हूं। हां इस बाबू को भी हमारे साथ रंगपुर जाना है, अंधा है बेचारा। बेटी को अगर आपने करीब कर लो शम्मी, जगह बन जाएगी। शम्मी और बेटी? नहीं नहीं, ये मेरी शम्मी नहीं हो सकती, ये कोई और भी तो हो सकती है। क्या सोचने लगे बाबू, बैठे ना गाड़ी में। अरे लो संभालो, आराम से आराम से। शुक्रिया। शुक्रिया कहेगा बाबू? अच्छा बातों बातों में वक्त अच्छा कट जाएगा, कुछ तुम अपनी कहना कुछ हम तुम्हें अपनी सुनाएंगे। अरे तुम्हारी आंखों में आंसू? आंसू ये कहां से आ गए? ये ऐसे नहीं आया बाबू, जरूर किसी को याद करके तुम्हारा दिल रहा है। दिल को भी इन्हीं आंखों ने रुलाया है भाई। यूं नहीं, खुल कर बोलो, दिल का बोझ भी हल्का होगा और दुख भी कम होगा। बोलो बोलो ना। जीवन में
अब आगे क्या होना है, मित किसी को मन का मिले और कोई सब कुछ खोए, लेना देना तुम ही बुरे, आप ही प्रीत लगाए रे बदले, आप ही बैठा रोए, ओ लेना देना तुम ही बुरे। लो बाबू रंगपुर आ गए। अच्छा बस तो फिर मुझे यहीं उतार दो। आराम आराम आराम, ध्यान से ध्यान से, जरा संभल के कहो तो मैं तुम्हें सहारा देकर छोड़ा हूं। नहीं बाबू तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, मैं खुद ही चला जाऊंगा। तुम्हारी मर्जी, अल्लाह बिल खुदा। अब्बा शहर गए हैं, रात को खबर आई थी दलावर की सजा माफ हो गई है, आज उसकी जेल से रिहाई है, बस वो आते ही होंगे। अगर आप कहें तो हम खड़े खड़े अपनी सखियों से मिले। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, बस अभी आए। हाँ मम्मी आ जाएंगे बेटे, अभी वो आ जाएंगे। मैं मम्मी के साथ जाऊंगी। अच्छा भाई चलो। शमी कहाँ हो? शमी मेरे करीब आओ, मुझे सहारा दो। शमी शमी मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकती साजी, यहाँ तो कर लो तो सिर्फ इतना कह ले कि मुझे भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? इसलिए साजी, इसलिए कि हमें किसी और की हो चुकी हूँ। वापस लौट जाओ साजिद, वापस लौट जाओ। शिमी तुम्हें इस हाल में देखकर अपने आप को मुजरिम समझती है। लोग कहते हैं कि शिमी किसी और की होने वाली है, लेकिन मैंने किसी की नहीं मानी और यहां चला है, ये सोचकर कि शायद तुम मेरा इंतजार कर रही होगी। तुमने मेरा सारा भी इंतजार ना किया, तुमने ऐसा क्यों किया शिमी? तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो तुम्हारा जिंदगी भर इंतजार कर सकती थी साजिद, लेकिन मैं मजबूर थी। ठीक है शमी, ठीक है, मैं तुम्हारी मजबूरी को बेवफाई नहीं कहूंगा। तुम्हारे प्यार की कशिश मुझे यहां खींच लाई थी, अब तुम कहती हो तो वापस लौट जाता हूं। इतनी दूर जहां से मेरी आवाज तो तुम तक नहीं पहुंच सकेगी, मेरी जिंदगी उजाड़ गई तो क्या हुआ? तुम्हारी जिंदगी तो संवर गई ना शम्मी, जाओ सदा खुश रहो। Thank you.
पूछता हूँ कहाँ गई थी? बाबू के पास। कौन बाबू? वही जिसकी याद में तुम जिंदा लाश बन गई हो, जिसकी जुदाई ने तुम्हारी मुस्कुराहट छीन ली है। नहीं नहीं, और कुछ मत कहिएगा। मैं कहूंगा और चीख चीख कर कहूंगा कि तुम्हारा और बाबू का प्यार हकीकत है। दरमियान दीवार बनना जुल्म ही नहीं गुनाह भी है। जाओ शम्मी, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। जाओ देना करो शम्मी, तुम मेरे लिए आज भी उसी तरह पाकीज़ा हो जिस तरह मैं तुम्हें यहां से लेकर गया था। क्या सोच रही हो शम्मी, कहीं वो चला ना जाए। जाओ शम्मी जाओ। अम्मी, आज किसी की आवाज पर ध्यान ना देना शम्मी, तारा बच्ची है, मैं इसे समझा लूंगा, तुम जाओ। तुम्हारे प्यार की कशिश मुझे यहां खींच लाई थी, अब तुम कहती हो तो वापस लौट जाता हूं। इतनी दूर जहां से मेरी आवाज भी तुम तक नहीं पहुंच सकेगी, मेरी जिंदगी उजड़ गई तो क्या हुआ, तुम्हारी जिंदगी तो संवार गई ना शम्मी। जाओ, सदा खुश रहो। अनवर, तुम यहां? शम्मी कहां है? मैंने शम्मी को तलाक देकर उसे बाबू के लिए आजाद कर दिया। चाचा जी, जो शम्मी की जिंदगी है, अनवर, मैं उसके प्यार से जुल्म नहीं कर सकता था। बकमर, इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। तुझको Thank you.
लगते मर जाए मर जाए हम जुदा फिर कभी ना हो पाए सीने से लगते मर जाए।